अब तक जो मौतें हो रही हैं, वो सब महालक्ष्मी के पसंदीदा दिन मंगलवार को ही हो रही हैं। आखिर इन दीवारों पर लिख कौन रहा? मंगलवार के मंगलवार हमारे गांव में ये कैसा अनर्थ हो रहा है? दोस्तों, अगर आप भी मंगलवार मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगलवार मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 17 नवंबर 2023 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड मिस्ट्री मूवी मंगलवारम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अजय भूपति, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं।
बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो मूवी को IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पायल राजपूत, नंदिता श्वेता, प्रियदर्शी पुलिकोंडा, दिव्या पिल्लई, अजमल अमीर, चैतन्य कृष्णन, रविंद्र विजय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें अगर अपन दोस्तों अब अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 25 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है 1996 में सेठ महालक्ष्मीपुरम के ग्रामीण शहर में 4 अजीब आत्महत्याएं होती है, जिसमें कोई व्यक्ति बेतरतीब दीवारों पर पीड़ितों के बीच अवैध संबंधों के कबूलनामे लिखता है। हालांकि गांव में जब सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच बहुत संघर्ष है। नवनियुक्त SI माया ने आत्महत्याओं की जांच शुरू की और पाया कि वे हत्याएं हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है और उसे जल्दी मौत और RMP विश्वनाथम एक दयालु व्यक्ति के बीच एक संबंध का पता चलता है। जब वे उसे दीवार पर कबूलनामा लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है, तो उन दोनों के बीच मामूली हाथापाई होती है, जिसमें वे उसे वश में करने और अपने पिछवाड़े में बांधने में कामयाब हो जाते हैं। माया किसी तरह छूटने में सफल हो जाती है और शैलजा नाम की एक महिला के साथ उसके संबंधों के बारे में उससे बात करती है, जिस पर वह स्वीकार करता है कि शैलजा अपने हार्मोनल असंतुलन के कारण यौन शोषण की वास्तविक शिकार थी, जिसके कारण वे अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण खो देती है। अपनी डिग्री हासिल करने के दौरान वे अपने अंग्रेजी के व्याख्याता मदन के प्यार में पड़ जाती है, जो उसका शारीरिक शोषण करने के लिए उसके प्यार का बदला चुकाने का दिखावा करता है। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी, आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी मंगलवारम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगलवारम मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को।
तो दोस्तों ये मूवी 17 नवंबर 2023 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड मिस्ट्री मूवी मंगलवारम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अजय भूपति, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पायल राजपूत, नंदिता श्वेता, प्रियदर्शी पुलिकोंडा, दिव्या पिल्लई, अजमल अमीर, चैतन्य कृष्णन, रविंद्र विजय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें अगर अपन दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 25 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है 1996 में सेठ महालक्ष्मीपुरम के ग्रामीण शहर में 4 अजीब आत्महत्याएं होती है, जिसमें कोई व्यक्ति बेतरतीब दीवारों पर पीड़ितों के बीच अवैध संबंधों के कबूलनामे लिखता है। हालांकि गांव में जब सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच बहुत संघर्ष है। नवनियुक्त SI माया ने आत्महत्याओं की जांच शुरू की और पाया कि वे हत्याएं हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है और उसे जल्दी मौत और RMP विश्वनाथम एक दयालु व्यक्ति के बीच एक संबंध का पता चलता है। जब वे उसे दीवार पर कबूलनामा लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है, तो उन दोनों के बीच मामूली हाथापाई होती है, जिसमें वे उसे वश में करने और अपने पिछवाड़े में बांधने में कामयाब हो जाते हैं। माया किसी तरह छूटने में सफल हो जाती है और शैलजा नाम की एक महिला के साथ उसके संबंधों के बारे में उससे बात करती है, जिस पर वह स्वीकार करता है कि शैलजा अपने हार्मोनल असंतुलन के कारण यौन शोषण की वास्तविक शिकार थी, जिसके कारण वे अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण खो देती है। अपनी डिग्री हासिल करने के दौरान वे अपने अंग्रेजी के व्याख्याता मदन के प्यार में पड़ जाती है, जो उसका शारीरिक शोषण करने के लिए उसके प्यार का बदला चुकाने का दिखावा करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी, आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।
दोस्तों अगर आप भी मंगलवारम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगलवारम मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 17 नवंबर 2023 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड मिस्ट्री मूवी मंगलवारम, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अजय भूपति, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पायल राजपूत, नंदिता श्वेता, प्रियदर्शी पुलिकोंडा, दिव्या पिल्लई, अजमल अमीर, चैतन्य कृष्णन, रविंद्र विजय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें अगर अपन दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 25 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है 1996 में सेठ महालक्ष्मीपुरम के ग्रामीण शहर में 4 अजीब आत्महत्याएं होती है, जिसमें कोई व्यक्ति बेतरतीब दीवारों पर पीड़ितों के बीच अवैध संबंधों के कबूलनामे लिखता है। हालांकि गांव में जब सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच बहुत संघर्ष है। नवनियुक्त SI माया ने आत्महत्याओं की जांच शुरू की और पाया कि वे हत्याएं हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है और उसे जल्दी मौत और RMP विश्वनाथम एक दयालु व्यक्ति के बीच एक संबंध का पता चलता है। जब वे उसे दीवार पर कबूलनामा लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है, तो उन दोनों के बीच मामूली हाथापाई होती है, जिसमें वे उसे वश में करने और अपने पिछवाड़े में बांधने में कामयाब हो जाते हैं। माया किसी तरह छूटने में सफल हो जाती है और शैलजा नाम की एक महिला के साथ उसके संबंधों के बारे में उससे बात करती है, जिस पर वह स्वीकार करता है कि शैलजा अपने
हार्मोनल असंतुलन के कारण यौन शोषण की वास्तविक शिकार थी, जिसके कारण वे अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण खो देती है। अपनी डिग्री हासिल करने के दौरान वे अपने अंग्रेजी के व्याख्याता मदन के प्यार में पड़ जाती है, जो उसका शारीरिक शोषण करने के लिए उसके प्यार का बदला चुकाने का दिखावा करता है। तो दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी, आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी मंगलवारम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगलवारम मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 17 नवंबर 2023 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड मिस्ट्री मूवी मंगलवारम, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अजय भूपति, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पायल राजपूत, नंदिता श्वेता, प्रियदर्शी पुलिकोंडा, दिव्या पिल्लई, अजमल अमीर, चैतन्य कृष्णन, रविंद्र विजय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें अगर अपन दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 25 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है 1996 में सेठ महालक्ष्मीपुरम के ग्रामीण शहर में 4 अजीब आत्महत्याएं होती है, जिसमें कोई व्यक्ति बेतरतीब दीवारों पर पीड़ितों के बीच अवैध संबंधों के कबूलनामे लिखता है। हालांकि गांव में जब सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच बहुत संघर्ष है। नवनियुक्त SI माया ने आत्महत्याओं की जांच शुरू की और
पाया कि वे हत्याएं हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है और उसे जल्दी मौत और आरएमपी विश्वनाथम एक दयालु व्यक्ति के बीच एक संबंध का पता चलता है। जब वे उसे दीवार पर कबूलनामा लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है तो उन दोनों के बीच मामूली हाथापाई होती है जिसमें वे उसे वश में करने और अपने पिछवाड़े में बांधने में कामयाब हो जाते हैं। माया किसी तरह छूटने में सफल हो जाती है और शैलजा नाम की एक महिला के साथ उसके संबंधों के बारे में उससे बात करती है, जिस पर वह स्वीकार करता है कि शैलजा अपने हार्मोनल असंतुलन के कारण यौन शोषण की वास्तविक शिकार थी, जिसके कारण वे अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण खो देती है। अपनी डिग्री हासिल करने के दौरान वे अपने अंग्रेजी के व्याख्याता मदन के प्यार में पड़ जाती है, जो उसका शारीरिक शोषण करने के लिए उसके प्यार का बदला चुकाने का दिखावा करता है। तो दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी, आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी मंगलवारम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगलवारम मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 17 नवंबर 2023 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड मिस्ट्री मूवी मंगलवारम, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अजय भूपति, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को आईएमडीबी की तरफ से दोस्तों 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पायल राजपूत, नंदिता श्वेता, प्रियदर्शी पुलिकोंडा, दिव्या पिल्लई, अजमल अमीर, चैतन्य कृष्णन, रविंद्र विजय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें अगर अपन दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 25 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी।
तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है 1996 में सेठ महालक्ष्मीपुरम के ग्रामीण शहर में चार अजीब आत्महत्याएं होती है, जिसमें कोई व्यक्ति बेतरतीब दीवारों पर पीड़ितों के बीच अवैध संबंधों के कबूलनामे लिखता है। हालांकि गांव में जब सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच बहुत संघर्ष है। नवनियुक्त एसआई माया ने आत्महत्याओं की जांच शुरू की और पाया कि वे हत्याएं हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है और उसे जल्दी मौत और आरएमपी विश्वनाथम एक दयालु व्यक्ति के बीच एक संबंध का पता चलता है। जब वे उसे दीवार पर कबूलनामा लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है, तो उन दोनों के बीच मामूली हाथापाई होती है, जिसमें वे उसे वश में करने और अपने पिछवाड़े में बांधने में कामयाब हो जाते हैं। माया किसी तरह छूटने में सफल हो जाती है और शैलजा नाम की एक महिला के साथ उसके संबंधों के बारे में उससे बात करती है, जिस पर वह स्वीकार करता है कि शैलजा अपने हार्मोनल असंतुलन के कारण यौन शोषण की वास्तविक शिकार थी, जिसके कारण वे अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण खो देती है। अपनी डिग्री हासिल करने के दौरान वे अपने अंग्रेजी के व्याख्याता मदन के प्यार में पड़ जाती है, जो उसका शारीरिक शोषण करने के लिए उसके प्यार का बदला चुकाने का दिखावा करता है। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी, आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी मंगलवारम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगलवारम मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 17 नवंबर 2023 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड मिस्ट्री मूवी मंगलवारम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अजय भूपति, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पायल राजपूत, नंदिता श्वेता, प्रियदर्शी पुलिकोंडा, दिव्या पिल्लई, अजमल अमीर, चैतन्य कृष्णन, रविंद्र विजय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें अगर अपन दोस्तों अब अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 25 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है।
जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है 1996 में सेठ महालक्ष्मीपुरम के ग्रामीण शहर में 4 अजीब आत्महत्याएं होती है, जिसमें कोई व्यक्ति बेतरतीब दीवारों पर पीड़ितों के बीच अवैध संबंधों के कबूलनामे लिखता है। हालांकि गांव में जब सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच बहुत संघर्ष है। नवनियुक्त SI माया ने आत्महत्याओं की जांच शुरू की और पाया कि वे हत्याएं हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है और उसे जल्दी मौत और RMP विश्वनाथम एक दयालु व्यक्ति के बीच एक संबंध का पता चलता है। जब वे उसे दीवार पर कबूलनामा लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है, तो उन दोनों के बीच मामूली हाथापाई होती है, जिसमें वे उसे वश में करने और अपने पिछवाड़े में बांधने में कामयाब हो जाते हैं। माया किसी तरह छूटने में सफल हो जाती है और शैलजा नाम की एक महिला के साथ उसके संबंधों के बारे में उससे बात करती है, जिस पर वह स्वीकार करता है कि शैलजा अपने हार्मोनल असंतुलन के कारण यौन शोषण की वास्तविक शिकार थी, जिसके कारण वे अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण खो देती है। अपनी डिग्री हासिल करने के दौरान वे अपने अंग्रेजी के व्याख्याता मदन के प्यार में पड़ जाती है, जो उसका शारीरिक शोषण करने के लिए उसके प्यार का बदला चुकाने का दिखावा करता है। तो दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी, आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी मंगलवारम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगलवारम मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 17 नवंबर 2023 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड मिस्ट्री मूवी मंगलवारम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अजय भूपति, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो मूवी को IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पायल राजपूत, नंदिता श्वेता, प्रियदर्शी पुलिकोंडा, दिव्या पिल्लई, अजमल अमीर, चैतन्य कृष्णन, रविंद्र विजय,
आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें अगर अपन दोस्तों अब अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 25 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है 1996 में सेठ महालक्ष्मीपुरम के ग्रामीण शहर में 4 अजीब आत्महत्याएं होती है, जिसमें कोई व्यक्ति बेतरतीब दीवारों पर पीड़ितों के बीच अवैध संबंधों के कबूलनामे लिखता है। हालांकि गांव में जब सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच बहुत संघर्ष है। नवनियुक्त SI माया ने आत्महत्याओं की जांच शुरू की और पाया कि वे हत्याएं हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है और उसे जल्दी मौत और RMP विश्वनाथम एक दयालु व्यक्ति के बीच एक संबंध का पता चलता है। जब वे उसे दीवार पर कबूलनामा लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है, तो उन दोनों के बीच मामूली हाथापाई होती है, जिसमें वे उसे वश में करने और अपने पिछवाड़े में बांधने में कामयाब हो जाते हैं। माया किसी तरह छूटने में सफल हो जाती है और शैलजा नाम की एक महिला के साथ उसके संबंधों के बारे में उससे बात करती है, जिस पर वह स्वीकार करता है कि शैलजा अपने हार्मोनल असंतुलन के कारण यौन शोषण की वास्तविक शिकार थी, जिसके कारण वे अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण खो देती है। अपनी डिग्री हासिल करने के दौरान वे अपने अंग्रेजी के व्याख्याता मदन के प्यार में पड़ जाती है, जो उसका शारीरिक शोषण करने के लिए उसके प्यार का बदला चुकाने का दिखावा करता है। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी, आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी मंगलवारम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगलवारम मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 17 नवंबर 2023 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड मिस्ट्री मूवी मंगलवारम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अजय भूपति, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो मूवी को IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है।
तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पायल राजपूत, नंदिता श्वेता, प्रियदर्शी पुलिकोंडा, दिव्या पिल्लई, अजमल अमीर, चैतन्य कृष्णन, रविंद्र विजय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें अगर अपन दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 25 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है 1996 में सेठ महालक्ष्मीपुरम के ग्रामीण शहर में 4 अजीब आत्महत्याएं होती है, जिसमें कोई व्यक्ति बेतरतीब दीवारों पर पीड़ितों के बीच अवैध संबंधों के कबूलनामे लिखता है। हालांकि गांव में जब सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच बहुत संघर्ष है। नवनियुक्त SI माया ने आत्महत्याओं की जांच शुरू की और पाया कि वे हत्याएं हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है और उसे जल्दी मौत और RMP विश्वनाथम एक दयालु व्यक्ति के बीच एक संबंध का पता चलता है। जब वे उसे दीवार पर कबूलनामा लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है, तो उन दोनों के बीच मामूली हाथापाई होती है, जिसमें वे उसे वश में करने और अपने पिछवाड़े में बांधने में कामयाब हो जाते हैं। माया किसी तरह छूटने में सफल हो जाती है और शैलजा नाम की एक महिला के साथ उसके संबंधों के बारे में उससे बात करती है, जिस पर वह स्वीकार करता है कि शैलजा अपने हार्मोनल असंतुलन के कारण यौन शोषण की वास्तविक शिकार थी, जिसके कारण वे अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण खो देती है। अपनी डिग्री हासिल करने के दौरान वे अपने अंग्रेजी के व्याख्याता मदन के प्यार में पड़ जाती है, जो उसका शारीरिक शोषण करने के लिए उसके प्यार का बदला चुकाने का दिखावा करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी, आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी मंगलवारम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगलवारम मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 17 नवंबर 2023 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड मिस्ट्री मूवी मंगलवारम, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए।
आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अजय भूपति, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पायल राजपूत, नंदिता श्वेता, प्रियदर्शी पुलिकोंडा, दिव्या पिल्लई, अजमल अमीर, चैतन्य कृष्णन, रविंद्र विजय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें अगर अपन दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 25 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है 1996 में सेठ महालक्ष्मीपुरम के ग्रामीण शहर में 4 अजीब आत्महत्याएं होती है, जिसमें कोई व्यक्ति बेतरतीब दीवारों पर पीड़ितों के बीच अवैध संबंधों के कबूलनामे लिखता है। हालांकि गांव में जब सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच बहुत संघर्ष है। नवनियुक्त SI माया ने आत्महत्याओं की जांच शुरू की और पाया कि वे हत्याएं हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है और उसे जल्दी मौत और RMP विश्वनाथम एक दयालु व्यक्ति के बीच एक संबंध का पता चलता है। जब वे उसे दीवार पर कबूलनामा लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है, तो उन दोनों के बीच मामूली हाथापाई होती है, जिसमें वे उसे वश में करने और अपने पिछवाड़े में बांधने में कामयाब हो जाते हैं। माया किसी तरह छूटने में सफल हो जाती है और शैलजा नाम की एक महिला के साथ उसके संबंधों के बारे में उससे बात करती है, जिस पर वह स्वीकार करता है कि शैलजा अपने हार्मोनल असंतुलन के कारण यौन शोषण की वास्तविक शिकार थी, जिसके कारण वे अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण खो देती है। अपनी डिग्री हासिल करने के दौरान वे अपने अंग्रेजी के व्याख्याता मदन के प्यार में पड़ जाती है, जो उसका शारीरिक शोषण करने के लिए उसके प्यार का बदला चुकाने का दिखावा करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी, आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी मंगलवारम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगलवारम मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं,
जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 17 नवंबर 2023 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड मिस्ट्री मूवी मंगलवारम, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अजय भूपति, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी। आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पायल राजपूत, नंदिता श्वेता, प्रियदर्शी पुलिकोंडा, दिव्या पिल्लई, अजमल अमीर, चैतन्य कृष्णन, रविंद्र विजय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें अगर अपन दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 25 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है 1996 में सेठ महालक्ष्मीपुरम के ग्रामीण शहर में 4 अजीब आत्महत्याएं होती है, जिसमें कोई व्यक्ति बेतरतीब दीवारों पर पीड़ितों के बीच अवैध संबंधों के कबूलनामे लिखता है। हालांकि गांव में जब सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच बहुत संघर्ष है। नवनियुक्त SI माया ने आत्महत्याओं की जांच शुरू की और पाया कि वे हत्याएं हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है और उसे जल्दी मौत और RMP विश्वनाथम एक दयालु व्यक्ति के बीच एक संबंध का पता चलता है। जब वे उसे दीवार पर कबूलनामा लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है, तो उन दोनों के बीच मामूली हाथापाई होती है, जिसमें वे उसे वश में करने और अपने पिछवाड़े में बांधने में कामयाब हो जाते हैं। माया किसी तरह छूटने में सफल हो जाती है और शैलजा नाम की एक महिला के साथ उसके संबंधों के बारे में उससे बात करती है, जिस पर वह स्वीकार करता है कि शैलजा अपने
हार्मोनल असंतुलन के कारण यौन शोषण की वास्तविक शिकार थी, जिसके कारण वे अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण खो देती है। अपनी डिग्री हासिल करने के दौरान वे अपने अंग्रेजी के व्याख्याता मदन के प्यार में पड़ जाती है, जो उसका शारीरिक शोषण करने के लिए उसके प्यार का बदला चुकाने का दिखावा करता है। तो दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी, आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी मंगलवारम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगलवारम मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 17 नवंबर 2023 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड मिस्ट्री मूवी मंगलवारम, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अजय भूपति, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पायल राजपूत, नंदिता श्वेता, प्रियदर्शी पुलिकोंडा, दिव्या पिल्लई, अजमल अमीर, चैतन्य कृष्णन, रविंद्र विजय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें अगर अपन दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 25 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है 1996 में सेठ महालक्ष्मीपुरम के ग्रामीण शहर में 4 अजीब आत्महत्याएं होती है, जिसमें कोई व्यक्ति बेतरतीब दीवारों पर पीड़ितों के बीच अवैध संबंधों के कबूलनामे लिखता है। हालांकि गांव में जब सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच बहुत संघर्ष है। नवनियुक्त SI माया ने आत्महत्याओं की जांच शुरू की और
पाया कि वे हत्याएं हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है और उसे जल्दी मौत और आरएमपी विश्वनाथम एक दयालु व्यक्ति के बीच एक संबंध का पता चलता है। जब वे उसे दीवार पर कबूलनामा लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है तो उन दोनों के बीच मामूली हाथापाई होती है जिसमें वे उसे वश में करने और अपने पिछवाड़े में बांधने में कामयाब हो जाते हैं। माया किसी तरह छूटने में सफल हो जाती है और शैलजा नाम की एक महिला के साथ उसके संबंधों के बारे में उससे बात करती है, जिस पर वह स्वीकार करता है कि शैलजा अपने हार्मोनल असंतुलन के कारण यौन शोषण की वास्तविक शिकार थी, जिसके कारण वे अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण खो देती है। अपनी डिग्री हासिल करने के दौरान वे अपने अंग्रेजी के व्याख्याता मदन के प्यार में पड़ जाती है, जो उसका शारीरिक शोषण करने के लिए उसके प्यार का बदला चुकाने का दिखावा करता है। तो दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी, आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी मंगलवारम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगलवारम मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 17 नवंबर 2023 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड मिस्ट्री मूवी मंगलवारम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अजय भूपति, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पायल राजपूत, नंदिता श्वेता, प्रियदर्शी पुलिकोंडा, दिव्या पिल्लई, अजमल अमीर, चैतन्य कृष्णन, रविंद्र विजय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें अगर अपन दोस्तों अब अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 25 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी।
तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है 1996 में सेठ महालक्ष्मीपुरम के ग्रामीण शहर में चार अजीब आत्महत्याएं होती है, जिसमें कोई व्यक्ति बेतरतीब दीवारों पर पीड़ितों के बीच अवैध संबंधों के कबूलनामे लिखता है। हालांकि गांव में जब सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच बहुत संघर्ष है। नवनियुक्त एसआई माया ने आत्महत्याओं की जांच शुरू की और पाया कि वे हत्याएं हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है और उसे जल्दी मौत और आरएमपी विश्वनाथम एक दयालु व्यक्ति के बीच एक संबंध का पता चलता है। जब वे उसे दीवार पर कबूलनामा लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है, तो उन दोनों के बीच मामूली हाथापाई होती है, जिसमें वे उसे वश में करने और अपने पिछवाड़े में बांधने में कामयाब हो जाते हैं। माया किसी तरह छूटने में सफल हो जाती है और शैलजा नाम की एक महिला के साथ उसके संबंधों के बारे में उससे बात करती है, जिस पर वह स्वीकार करता है कि शैलजा अपने हार्मोनल असंतुलन के कारण यौन शोषण की वास्तविक शिकार थी, जिसके कारण वे अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण खो देती है। अपनी डिग्री हासिल करने के दौरान वे अपने अंग्रेजी के व्याख्याता मदन के प्यार में पड़ जाती है, जो उसका शारीरिक शोषण करने के लिए उसके प्यार का बदला चुकाने का दिखावा करता है। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी, आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी मंगलवारम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगलवारम मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 17 नवंबर 2023 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड मिस्ट्री मूवी मंगलवारम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अजय भूपति, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पायल राजपूत, नंदिता श्वेता, प्रियदर्शी पुलिकोंडा, दिव्या पिल्लई, अजमल अमीर, चैतन्य कृष्णन, रविंद्र विजय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें अगर अपन दोस्तों अब अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 25 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है,
जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है 1996 में सेठ महालक्ष्मीपुरम के ग्रामीण शहर में 4 अजीब आत्महत्याएं होती है, जिसमें कोई व्यक्ति बेतरतीब दीवारों पर पीड़ितों के बीच अवैध संबंधों के कबूलनामे लिखता है। हालांकि गांव में जब सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच बहुत संघर्ष है। नवनियुक्त SI माया ने आत्महत्याओं की जांच शुरू की और पाया कि वे हत्याएं हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है और उसे जल्दी मौत और RMP विश्वनाथम एक दयालु व्यक्ति के बीच एक संबंध का पता चलता है। जब वे उसे दीवार पर कबूलनामा लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है, तो उन दोनों के बीच मामूली हाथापाई होती है, जिसमें वे उसे वश में करने और अपने पिछवाड़े में बांधने में कामयाब हो जाते हैं। माया किसी तरह छूटने में सफल हो जाती है और शैलजा नाम की एक महिला के साथ उसके संबंधों के बारे में उससे बात करती है, जिस पर वह स्वीकार करता है कि शैलजा अपने हार्मोनल असंतुलन के कारण यौन शोषण की वास्तविक शिकार थी, जिसके कारण वे अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण खो देती है। अपनी डिग्री हासिल करने के दौरान वे अपने अंग्रेजी के व्याख्याता मदन के प्यार में पड़ जाती है, जो उसका शारीरिक शोषण करने के लिए उसके प्यार का बदला चुकाने का दिखावा करता है। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी, आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी मंगलवारम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगलवारम मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 17 नवंबर 2023 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड मिस्ट्री मूवी मंगलवारम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अजय भूपति, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो मूवी को IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पायल राजपूत, नंदिता श्वेता, प्रियदर्शी पुलिकोंडा, दिव्या पिल्लई, अजमल अमीर, चैतन्य कृष्णन, रविंद्र विजय,
आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें अगर अपन दोस्तों अब अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 25 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है 1996 में सेठ महालक्ष्मीपुरम के ग्रामीण शहर में 4 अजीब आत्महत्याएं होती है, जिसमें कोई व्यक्ति बेतरतीब दीवारों पर पीड़ितों के बीच अवैध संबंधों के कबूलनामे लिखता है। हालांकि गांव में जब सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच बहुत संघर्ष है। नवनियुक्त SI माया ने आत्महत्याओं की जांच शुरू की और पाया कि वे हत्याएं हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है और उसे जल्दी मौत और RMP विश्वनाथम एक दयालु व्यक्ति के बीच एक संबंध का पता चलता है। जब वे उसे दीवार पर कबूलनामा लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है, तो उन दोनों के बीच मामूली हाथापाई होती है, जिसमें वे उसे वश में करने और अपने पिछवाड़े में बांधने में कामयाब हो जाते हैं। माया किसी तरह छूटने में सफल हो जाती है और शैलजा नाम की एक महिला के साथ उसके संबंधों के बारे में उससे बात करती है, जिस पर वह स्वीकार करता है कि शैलजा अपने हार्मोनल असंतुलन के कारण यौन शोषण की वास्तविक शिकार थी, जिसके कारण वे अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण खो देती है। अपनी डिग्री हासिल करने के दौरान वे अपने अंग्रेजी के व्याख्याता मदन के प्यार में पड़ जाती है, जो उसका शारीरिक शोषण करने के लिए उसके प्यार का बदला चुकाने का दिखावा करता है। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी, आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी मंगलवारम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगलवारम मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 17 नवंबर 2023 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड मिस्ट्री मूवी मंगलवारम, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अजय भूपति, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो मूवी को IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है।
तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पायल राजपूत, नंदिता श्वेता, प्रियदर्शी पुलिकोंडा, दिव्या पिल्लई, अजमल अमीर, चैतन्य कृष्णन, रविंद्र विजय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें अगर अपन दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 25 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है 1996 में सेठ महालक्ष्मीपुरम के ग्रामीण शहर में 4 अजीब आत्महत्याएं होती है, जिसमें कोई व्यक्ति बेतरतीब दीवारों पर पीड़ितों के बीच अवैध संबंधों के कबूलनामे लिखता है। हालांकि गांव में जब सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच बहुत संघर्ष है। नवनियुक्त SI माया ने आत्महत्याओं की जांच शुरू की और पाया कि वे हत्याएं हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है और उसे जल्दी मौत और RMP विश्वनाथम एक दयालु व्यक्ति के बीच एक संबंध का पता चलता है। जब वे उसे दीवार पर कबूलनामा लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है, तो उन दोनों के बीच मामूली हाथापाई होती है, जिसमें वे उसे वश में करने और अपने पिछवाड़े में बांधने में कामयाब हो जाते हैं। माया किसी तरह छूटने में सफल हो जाती है और शैलजा नाम की एक महिला के साथ उसके संबंधों के बारे में उससे बात करती है, जिस पर वह स्वीकार करता है कि शैलजा अपने हार्मोनल असंतुलन के कारण यौन शोषण की वास्तविक शिकार थी, जिसके कारण वे अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण खो देती है। अपनी डिग्री हासिल करने के दौरान वे अपने अंग्रेजी के व्याख्याता मदन के प्यार में पड़ जाती है, जो उसका शारीरिक शोषण करने के लिए उसके प्यार का बदला चुकाने का दिखावा करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी, आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी मंगलवारम मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं, तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगलवारम मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 17 नवंबर 2023 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड मिस्ट्री मूवी मंगलवारम, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए।
आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अजय भूपति, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पायल राजपूत, नंदिता श्वेता, प्रियदर्शी पुलिकोंडा, दिव्या पिल्लई, अजमल अमीर, चैतन्य कृष्णन, रविंद्र विजय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें अगर अपन दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 25 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है 1996 में सेठ महालक्ष्मीपुरम के ग्रामीण शहर में 4 अजीब आत्महत्याएं होती है, जिसमें कोई व्यक्ति बेतरतीब दीवारों पर पीड़ितों के बीच अवैध संबंधों के कबूलनामे लिखता है। हालांकि गांव में जब सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच बहुत संघर्ष है। नवनियुक्त SI माया ने आत्महत्याओं की जांच शुरू की और पाया कि वे हत्याएं हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है और उसे जल्दी मौत और RMP विश्वनाथम एक दयालु व्यक्ति के बीच एक संबंध का पता चलता है। जब वे उसे दीवार पर कबूलनामा लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है, तो उन दोनों के बीच मामूली हाथापाई होती है, जिसमें वे उसे वश में करने और अपने पिछवाड़े में बांधने में कामयाब हो जाते हैं। माया किसी तरह छूटने में सफल हो जाती है और शैलजा नाम की एक महिला के साथ उसके संबंधों के बारे में उससे बात करती है, जिस पर वह स्वीकार करता है कि शैलजा अपने हार्मोनल असंतुलन के कारण यौन शोषण की वास्तविक शिकार थी, जिसके कारण वे अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण खो देती है। अपनी डिग्री हासिल करने के दौरान वे अपने अंग्रेजी के व्याख्याता मदन के प्यार में पड़ जाती है, जो उसका शारीरिक शोषण करने के लिए उसके प्यार का बदला चुकाने का दिखावा करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी, आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी मंगलवारम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगलवारम मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं,
जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 17 नवंबर 2023 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड मिस्ट्री मूवी मंगलवारम, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अजय भूपति, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पायल राजपूत, नंदिता श्वेता, प्रियदर्शी पुलिकोंडा, दिव्या पिल्लई, अजमल अमीर, चैतन्य कृष्णन, रविंद्र विजय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें अगर अपन दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 25 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है 1996 में सेठ महालक्ष्मीपुरम के ग्रामीण शहर में 4 अजीब आत्महत्याएं होती है, जिसमें कोई व्यक्ति बेतरतीब दीवारों पर पीड़ितों के बीच अवैध संबंधों के कबूलनामे लिखता है। हालांकि गांव में जब सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच बहुत संघर्ष है। नवनियुक्त SI माया ने आत्महत्याओं की जांच शुरू की और पाया कि वे हत्याएं हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है और उसे जल्दी मौत और RMP विश्वनाथम एक दयालु व्यक्ति के बीच एक संबंध का पता चलता है। जब वे उसे दीवार पर कबूलनामा लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है, तो उन दोनों के बीच मामूली हाथापाई होती है, जिसमें वे उसे वश में करने और अपने पिछवाड़े में बांधने में कामयाब हो जाते हैं। माया किसी तरह छूटने में सफल हो जाती है और शैलजा नाम की एक महिला के साथ उसके संबंधों के बारे में उससे बात करती है, जिस पर वह स्वीकार करता है कि शैलजा अपने
हार्मोनल असंतुलन के कारण यौन शोषण की वास्तविक शिकार थी, जिसके कारण वे अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण खो देती है। अपनी डिग्री हासिल करने के दौरान वे अपने अंग्रेजी के व्याख्याता मदन के प्यार में पड़ जाती है, जो उसका शारीरिक शोषण करने के लिए उसके प्यार का बदला चुकाने का दिखावा करता है। तो दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी, आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी मंगलवारम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगलवारम मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 17 नवंबर 2023 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड मिस्ट्री मूवी मंगलवारम, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अजय भूपति, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पायल राजपूत, नंदिता श्वेता, प्रियदर्शी पुलिकोंडा, दिव्या पिल्लई, अजमल अमीर, चैतन्य कृष्णन, रविंद्र विजय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें अगर अपन दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 25 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है 1996 में सेठ महालक्ष्मीपुरम के ग्रामीण शहर में 4 अजीब आत्महत्याएँ होती है, जिसमें कोई व्यक्ति बेतरतीब दीवारों पर पीड़ितों के बीच अवैध संबंधों के कबूलनामे लिखता है। हालांकि गांव में जब सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच बहुत संघर्ष है। नवनियुक्त SI माया ने आत्महत्याओं की जांच शुरू की और
पाया कि वे हत्याएं हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है और उसे जल्दी मौत और आरएमपी विश्वनाथम एक दयालु व्यक्ति के बीच एक संबंध का पता चलता है। जब वे उसे दीवार पर कबूलनामा लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है तो उन दोनों के बीच मामूली हाथापाई होती है, जिसमें वे उसे वश में करने और अपने पिछवाड़े में बांधने में कामयाब हो जाते हैं। माया किसी तरह छूटने में सफल हो जाती है और शैलजा नाम की एक महिला के साथ उसके संबंधों के बारे में उससे बात करती है, जिस पर वह स्वीकार करता है कि शैलजा अपने हार्मोनल असंतुलन के कारण यौन शोषण की वास्तविक शिकार थी, जिसके कारण वे अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण खो देती है। अपनी डिग्री हासिल करने के दौरान वे अपने अंग्रेजी के व्याख्याता मदन के प्यार में पड़ जाती है, जो उसका शारीरिक शोषण करने के लिए उसके प्यार का बदला चुकाने का दिखावा करता है। तो दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी, आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी मंगलवारम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगलवारम मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 17 नवंबर 2023 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड मिस्ट्री मूवी मंगलवारम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अजय भूपति, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पायल राजपूत, नंदिता श्वेता, प्रियदर्शी पुलिकोंडा, दिव्या पिल्लई, अजमल अमीर, चैतन्य कृष्णन, रविंद्र विजय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें अगर अपन दोस्तों अब अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 25 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी।
तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है 1996 में सेठ महालक्ष्मीपुरम के ग्रामीण शहर में चार अजीब आत्महत्याएं होती है, जिसमें कोई व्यक्ति बेतरतीब दीवारों पर पीड़ितों के बीच अवैध संबंधों के कबूलनामे लिखता है। हालांकि गांव में जब सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच बहुत संघर्ष है। नवनियुक्त एसआई माया ने आत्महत्याओं की जांच शुरू की और पाया कि वे हत्याएं हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है और उसे जल्दी मौत और आरएमपी विश्वनाथम एक दयालु व्यक्ति के बीच एक संबंध का पता चलता है। जब वे उसे दीवार पर कबूलनामा लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है, तो उन दोनों के बीच मामूली हाथापाई होती है, जिसमें वे उसे वश में करने और अपने पिछवाड़े में बांधने में कामयाब हो जाते हैं। माया किसी तरह छूटने में सफल हो जाती है और शैलजा नाम की एक महिला के साथ उसके संबंधों के बारे में उससे बात करती है, जिस पर वह स्वीकार करता है कि शैलजा अपने हार्मोनल असंतुलन के कारण यौन शोषण की वास्तविक शिकार थी, जिसके कारण वे अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण खो देती है। अपनी डिग्री हासिल करने के दौरान वे अपने अंग्रेजी के व्याख्याता मदन के प्यार में पड़ जाती है, जो उसका शारीरिक शोषण करने के लिए उसके प्यार का बदला चुकाने का दिखावा करता है। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी, आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी मंगलवारम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगलवारम मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 17 नवंबर 2023 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड मिस्ट्री मूवी मंगलवारम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अजय भूपति, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो मूवी को आईएमडीबी की तरफ से दोस्तों 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पायल राजपूत, नंदिता श्वेता, प्रियदर्शी पुलिकोंडा, दिव्या पिल्लई, अजमल अमीर, चैतन्य कृष्णन, रविंद्र विजय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें अगर अपन दोस्तों अब अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 25 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना,
ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है 1996 में सेठ महालक्ष्मीपुरम के ग्रामीण शहर में चार अजीब आत्महत्याएं होती है, जिसमें कोई व्यक्ति बेतरतीब दीवारों पर पीड़ितों के बीच अवैध संबंधों के कबूलनामे लिखता है। हालांकि गांव में जब सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच बहुत संघर्ष है। नवनियुक्त SI माया ने आत्महत्याओं की जांच शुरू की और पाया कि वे हत्याएं हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है और उसे जल्दी मौत और RMP विश्वनाथम एक दयालु व्यक्ति के बीच एक संबंध का पता चलता है। जब वे उसे दीवार पर कबूलनामा लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है, तो उन दोनों के बीच मामूली हाथापाई होती है, जिसमें वे उसे वश में करने और अपने पिछवाड़े में बांधने में कामयाब हो जाते हैं। माया किसी तरह छूटने में सफल हो जाती है और शैलजा नाम की एक महिला के साथ उसके संबंधों के बारे में उससे बात करती है, जिस पर वह स्वीकार करता है कि शैलजा अपने हार्मोनल असंतुलन के कारण यौन शोषण की वास्तविक शिकार थी, जिसके कारण वे अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण खो देती है। अपनी डिग्री हासिल करने के दौरान वे अपने अंग्रेजी के व्याख्याता मदन के प्यार में पड़ जाती है, जो उसका शारीरिक शोषण करने के लिए उसके प्यार का बदला चुकाने का दिखावा करता है। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी, आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी मंगलवारम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगलवारम मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 17 नवंबर 2023 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड मिस्ट्री मूवी मंगलवारम, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अजय भूपति, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो मूवी को IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पायल राजपूत, नंदिता श्वेता, प्रियदर्शी पुलिकोंडा, दिव्या पिल्लई, अजमल अमीर, चैतन्य कृष्णन, रविंद्र विजय,
आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें अगर अपन दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 25 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है 1996 में सेठ महालक्ष्मीपुरम के ग्रामीण शहर में 4 अजीब आत्महत्याएं होती है, जिसमें कोई व्यक्ति बेतरतीब दीवारों पर पीड़ितों के बीच अवैध संबंधों के कबूलनामे लिखता है। हालांकि गांव में जब सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच बहुत संघर्ष है। नवनियुक्त SI माया ने आत्महत्याओं की जांच शुरू की और पाया कि वे हत्याएं हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है और उसे जल्दी मौत और RMP विश्वनाथम एक दयालु व्यक्ति के बीच एक संबंध का पता चलता है। जब वे उसे दीवार पर कबूलनामा लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है, तो उन दोनों के बीच मामूली हाथापाई होती है, जिसमें वे उसे वश में करने और अपने पिछवाड़े में बांधने में कामयाब हो जाते हैं। माया किसी तरह छूटने में सफल हो जाती है और शैलजा नाम की एक महिला के साथ उसके संबंधों के बारे में उससे बात करती है, जिस पर वह स्वीकार करता है कि शैलजा अपने हार्मोनल असंतुलन के कारण यौन शोषण की वास्तविक शिकार थी, जिसके कारण वे अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण खो देती है। अपनी डिग्री हासिल करने के दौरान वे अपने अंग्रेजी के व्याख्याता मदन के प्यार में पड़ जाती है, जो उसका शारीरिक शोषण करने के लिए उसके प्यार का बदला चुकाने का दिखावा करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी, आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी मंगलवारम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगलवारम मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 17 नवंबर 2023 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड मिस्ट्री मूवी मंगलवारम, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अजय भूपति, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो मूवी को IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है।
तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पायल राजपूत, नंदिता श्वेता, प्रियदर्शी पुलिकोंडा, दिव्या पिल्लई, अजमल अमीर, चैतन्य कृष्णन, रविंद्र विजय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें अगर अपन दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 25 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है 1996 में सेठ महालक्ष्मीपुरम के ग्रामीण शहर में 4 अजीब आत्महत्याएं होती है, जिसमें कोई व्यक्ति बेतरतीब दीवारों पर पीड़ितों के बीच अवैध संबंधों के कबूलनामे लिखता है। हालांकि गांव में जब सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच बहुत संघर्ष है। नवनियुक्त SI माया ने आत्महत्याओं की जांच शुरू की और पाया कि वे हत्याएं हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है और उसे जल्दी मौत और RMP विश्वनाथम एक दयालु व्यक्ति के बीच एक संबंध का पता चलता है। जब वे उसे दीवार पर कबूलनामा लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है, तो उन दोनों के बीच मामूली हाथापाई होती है, जिसमें वे उसे वश में करने और अपने पिछवाड़े में बांधने में कामयाब हो जाते हैं। माया किसी तरह छूटने में सफल हो जाती है और शैलजा नाम की एक महिला के साथ उसके संबंधों के बारे में उससे बात करती है, जिस पर वह स्वीकार करता है कि शैलजा अपने हार्मोनल असंतुलन के कारण यौन शोषण की वास्तविक शिकार थी, जिसके कारण वे अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण खो देती है। अपनी डिग्री हासिल करने के दौरान वे अपने अंग्रेजी के व्याख्याता मदन के प्यार में पड़ जाती है, जो उसका शारीरिक शोषण करने के लिए उसके प्यार का बदला चुकाने का दिखावा करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी, आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी मंगलवारम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगलवारम मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 17 नवंबर 2023 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड मिस्ट्री मूवी मंगलवारम, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए।
आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अजय भूपति, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पायल राजपूत, नंदिता श्वेता, प्रियदर्शी पुलिकोंडा, दिव्या पिल्लई, अजमल अमीर, चैतन्य कृष्णन, रविंद्र विजय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें अगर अपन दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 25 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है 1996 में सेठ महालक्ष्मीपुरम के ग्रामीण शहर में 4 अजीब आत्महत्याएं होती है, जिसमें कोई व्यक्ति बेतरतीब दीवारों पर पीड़ितों के बीच अवैध संबंधों के कबूलनामे लिखता है। हालांकि गांव में जब सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच बहुत संघर्ष है। नवनियुक्त SI माया ने आत्महत्याओं की जांच शुरू की और पाया कि वे हत्याएं हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है और उसे जल्दी मौत और RMP विश्वनाथम एक दयालु व्यक्ति के बीच एक संबंध का पता चलता है। जब वे उसे दीवार पर कबूलनामा लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है, तो उन दोनों के बीच मामूली हाथापाई होती है, जिसमें वे उसे वश में करने और अपने पिछवाड़े में बांधने में कामयाब हो जाते हैं। माया किसी तरह छूटने में सफल हो जाती है और शैलजा नाम की एक महिला के साथ उसके संबंधों के बारे में उससे बात करती है, जिस पर वह स्वीकार करता है कि शैलजा अपने हार्मोनल असंतुलन के कारण यौन शोषण की वास्तविक शिकार थी, जिसके कारण वे अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण खो देती है। अपनी डिग्री हासिल करने के दौरान वे अपने अंग्रेजी के व्याख्याता मदन के प्यार में पड़ जाती है, जो उसका शारीरिक शोषण करने के लिए उसके प्यार का बदला चुकाने का दिखावा करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी, आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी मंगलवारम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगलवारम मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं,
जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 17 नवंबर 2023 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड मिस्ट्री मूवी मंगलवारम, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अजय भूपति, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पायल राजपूत, नंदिता श्वेता, प्रियदर्शी पुलिकोंडा, दिव्या पिल्लई, अजमल अमीर, चैतन्य कृष्णन, रविंद्र विजय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें अगर अपन दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 25 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है 1996 में सेठ महालक्ष्मीपुरम के ग्रामीण शहर में 4 अजीब आत्महत्याएं होती है, जिसमें कोई व्यक्ति बेतरतीब दीवारों पर पीड़ितों के बीच अवैध संबंधों के कबूलनामे लिखता है। हालांकि गांव में जब सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच बहुत संघर्ष है। नवनियुक्त SI माया ने आत्महत्याओं की जांच शुरू की और पाया कि वे हत्याएं हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है और उसे जल्दी मौत और RMP विश्वनाथम एक दयालु व्यक्ति के बीच एक संबंध का पता चलता है। जब वे उसे दीवार पर कबूलनामा लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है, तो उन दोनों के बीच मामूली हाथापाई होती है, जिसमें वे उसे वश में करने और अपने पिछवाड़े में बांधने में कामयाब हो जाते हैं। माया किसी तरह छूटने में सफल हो जाती है और शैलजा नाम की एक महिला के साथ उसके संबंधों के बारे में उससे बात करती है, जिस पर वह स्वीकार करता है कि शैलजा अपने हार्मोनल असंतुलन के कारण यौन शोषण की वास्तविक शिकार थी, जिसके कारण वे अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण खो देती है। अपनी डिग्री हासिल करने के दौरान वे अपने अंग्रेजी के व्याख्याता मदन
उसके प्यार में पड़ जाती है, जो उसका शारीरिक शोषण करने के लिए उसके प्यार का बदला चुकाने का दिखावा करता है। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी, आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी मंगलवारम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगलवारम मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 17 नवंबर 2023 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड मिस्ट्री मूवी मंगलवारम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अजय भूपति, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पायल राजपूत, नंदिता श्वेता, प्रियदर्शी पुलिकोंडा, दिव्या पिल्लई, अजमल अमीर, चैतन्य कृष्णन, रविंद्र विजय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें अगर अपन दोस्तों अब अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 25 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है 1996 में सेठ महालक्ष्मीपुरम के ग्रामीण शहर में 4 अजीब आत्महत्याएँ होती है, जिसमें कोई व्यक्ति बेतरतीब दीवारों पर पीड़ितों के बीच अवैध संबंधों के कबूलनामे लिखता है। हालांकि गांव में जब सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच बहुत संघर्ष है। नवनियुक्त SI माया ने आत्महत्याओं की जांच शुरू की और पाया कि वे हत्याएं हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है और उसे जल्दी मौत और RMP विश्वनाथम एक दयालु व्यक्ति के बीच एक संबंध का पता चलता है,
जब वे उसे दीवार पर कबूलनामा लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है तो उन दोनों के बीच मामूली हाथापाई होती है जिसमें वे उसे वश में करने और अपने पिछवाड़े में बांधने में कामयाब हो जाते हैं। माया किसी तरह छूटने में सफल हो जाती है और शैलजा नाम की एक महिला के साथ उसके संबंधों के बारे में उससे बात करती है, जिस पर वह स्वीकार करता है कि शैलजा अपने हार्मोनल असंतुलन के कारण यौन शोषण की वास्तविक शिकार थी, जिसके कारण वे अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण खो देती है। अपनी डिग्री हासिल करने के दौरान वे अपने अंग्रेजी के व्याख्याता मदन के प्यार में पड़ जाती है, जो उसका शारीरिक शोषण करने के लिए उसके प्यार का बदला चुकाने का दिखावा करता है। तो दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी, आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी मंगलवारम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगलवारम मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 17 नवंबर 2023 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड मिस्ट्री मूवी मंगलवारम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अजय भूपति, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पायल राजपूत, नंदिता श्वेता, प्रियदर्शी पुलिकोंडा, दिव्या पिल्लई, अजमल अमीर, चैतन्य कृष्णन, रविंद्र विजय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें अगर अपन दोस्तों अब अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 25 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है
1996 में सेठ महालक्ष्मीपुरम के ग्रामीण शहर में 4 अजीब आत्महत्याएं होती है, जिसमें कोई व्यक्ति बेतरतीब दीवारों पर पीड़ितों के बीच अवैध संबंधों के कबूलनामे लिखता है। हालांकि गांव में जब सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच बहुत संघर्ष है। नवनियुक्त एसआई माया ने आत्महत्याओं की जांच शुरू की और पाया कि वे हत्याएं हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है और उसे जल्दी मौत और आरएमपी विश्वनाथम एक दयालु व्यक्ति के बीच एक संबंध का पता चलता है। जब वे उसे दीवार पर कबूलनामा लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है, तो उन दोनों के बीच मामूली हाथापाई होती है, जिसमें वे उसे वश में करने और अपने पिछवाड़े में बांधने में कामयाब हो जाते हैं। माया किसी तरह छूटने में सफल हो जाती है और शैलजा नाम की एक महिला के साथ उसके संबंधों के बारे में उससे बात करती है, जिस पर वह स्वीकार करता है कि शैलजा अपने हार्मोनल असंतुलन के कारण यौन शोषण की वास्तविक शिकार थी, जिसके कारण वे अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण खो देती है। अपनी डिग्री हासिल करने के दौरान वे अपने अंग्रेजी के व्याख्याता मदन के प्यार में पड़ जाती है, जो उसका शारीरिक शोषण करने के लिए उसके प्यार का बदला चुकाने का दिखावा करता है। तो दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी, आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी मंगलवारम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगलवारम मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 17 नवंबर 2023 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड मिस्ट्री मूवी मंगलवारम, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बात करें अगर दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अजय भूपति, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो मूवी को IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 76% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पायल राजपूत, नंदिता श्वेता, प्रियदर्शी पुलिकोंडा, दिव्या पिल्लई, अजमल अमीर, चैतन्य कृष्णन, रविंद्र विजय आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों इस मूवी में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। बात करें अगर अपन दोस्तों अब अपन इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 25 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा,
एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरह की लगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है 1996 में सेठ महालक्ष्मीपुरम के ग्रामीण शहर में चार अजीब आत्महत्याएं होती है, जिसमें कोई व्यक्ति बेतरतीब दीवारों पर पीड़ितों के बीच अवैध संबंधों के कबूलनामे लिखता है। हालांकि गांव में जब सब कुछ ठीक लगता है लेकिन स्थानीय लोगों के बीच बहुत संघर्ष है। नवनियुक्त SI माया ने आत्महत्याओं की जांच शुरू की और पाया कि वे हत्याएं हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है और उसे जल्दी मौत और RMP विश्वनाथम एक दयालु व्यक्ति के बीच एक संबंध का पता चलता है। जब वे उसे दीवार पर कबूलनामा लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है तो उन दोनों के बीच मामूली हाथापाई होती है, जिसमें वे उसे वश में करने और अपने पिछवाड़े में बांधने में कामयाब हो जाते हैं। माया किसी तरह छूटने में सफल हो जाती है और शैलजा नाम की एक महिला के साथ उसके संबंधों के बारे में उससे बात करती है, जिस पर वह स्वीकार करता है कि शैलजा अपने हार्मोनल असंतुलन के कारण यौन शोषण की वास्तविक शिकार थी, जिसके कारण वे अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण खो देती है। अपनी डिग्री हासिल करने के दौरान वे अपने अंग्रेजी के व्याख्याता मदन के प्यार में पड़ जाती है, जो उसका शारीरिक शोषण करने के लिए उसके प्यार का बदला चुकाने का दिखावा करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी, आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।